ट्रेड लर्नर्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं बताने वाला हूं दोस्तों आपको कि कितने ऐसे तरीके हैं जिनसे आप स्टॉक मार्केट से पैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी बिगिनर्स के लिए जो है हेल्पफुल होगी दोस्तों। इससे उनको पता चलेगा, एक आइडिया लगेगा कि किस तरीके से स्टॉक मार्केट से कई कई सारे तरीके होते हैं जिससे आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। मार्केट में कुछ तेज़ी से पैसा बनाने के तरीके होते हैं, कुछ स्लोली स्लोली आराम से ग्रोथ के साथ में पैसा बनाने के तरीके होते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और समझें कि किस तरीके से स्टॉक मार्केट से आप कई सारे ऐसे तरीके हैं जिनसे आप पैसा बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि दोस्तों ट्रेड लर्नर्स का टेलीग्राम चैनल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप उसको जाकर के जरूर ज्वाइन करें ताकि आपको जो फ्री टिप्स और रिकमेंडेशन है वो स्टॉक से स्पेसिफिक दोस्तों वो टाइम पे मिल जाए दोस्तों। तो दोस्तों उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स और दोस्तों एजुकेशनल कॉन्टेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है जो कि आपकी आने वाले दिनों में स्टॉक मार्केट की आपकी जर्नी में काफ़ी हेल्पफुल होगा। और इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ट्रेड लर्नर्स का पेट्रियन मेंबरशिप भी है दोस्तों, अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसमें मेंबरशिप ज्वाइन करने का फायदा यही है दोस्तों कि आपको कुछ ऐसे स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज स्टॉक मार्केट रिलेटेड मिल जाएंगी जो कि दोस्तों आपको प्रोवाइड की जाएगी वहाँ पे। दोस्तों आपको 8 ऐसी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजीज प्रोवाइड की गई है अभी तक जो आपकी आने वाले दिनों में स्टॉक मार्केट को लेकर के जो आपकी अप्रोच रहनी चाहिए उसमें काफ़ी हेल्पफुल होगी। की वीडियो में जानते हैं कि ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे हम स्टॉक मार्केट से पैसा बढ़िया बना सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों स्टॉक मार्केट जो है दोस्तों, स्टॉक मार्केट में जो है सबसे बेसिक जो है दोस्तों तरीका है, एक बिगिनर को समझना चाहिए कि उसका पैसा कभी डूबे ना। ठीक है, तो इस तरीके से मैं बताना चाहता हूं कि उसको जो है IPOs का जो मार्केट है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आती है बीच बीच में, कई सारी कंपनियां अपने स्टॉक्स को लिस्ट कराती है वो टाइम टाइम पे। तो ये दोस्तों इनिशियल पब्लिक ऑफर्स जो होते हैं इतना बढ़िया तरीका होता है कि सडनली जो है 20-25%, कई कई बार 50% रिटर्न भी मिलते हैं, कई बार स्टॉक की कीमत दुगना भी हो जाती है दोस्तों। तो एक सिंगल 7-8 दिन के वेट करने के बाद में दोस्तों इस जो IPOs है दोस्तों उसके थ्रू बढ़िया पैसा कमाया जा सकता है। और दोस्तों इसमें कुछ नहीं है, मात्र ₹15,000 का जो है एक इन्वेस्टमेंट होता है। अगर आपका IPO लिस्ट हो जाता है IPO में तो बढ़िया पैसा बन जाता है दोस्तों। 7-8 दिन के वेट करना है और दोस्तों आपका पैसा दुगना भी हो सकता है अगर आप जैसे अच्छी कंपनी के ऊपर IPO पे आप जैसे बोली लगाते हो। ठीक है, तो आपका बढ़िया पैसा बन जाएगा दोस्तों इनिशियल पब्लिक ऑफर के थ्रू। इसके अलावा दोस्तों कुछ FPOs भी आते हैं दोस्तों, टाइम टाइम पे आते रहते हैं दोस्तों, वो भी एक तरीका होता है स्टॉक मार्केट से पैसा बनाने का। जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड कंपनी है दोस्तों वो अपने वापस से नए शेयर्स को लॉन्च करती है, तब दोस्तों एक FPO ऑफर आता है दोस्तों और वहां से भी आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों ये काफ़ी हेल्पफुल होंगे नए बिगिनर्स के लिए सडन क्विक बड़ा रिटर्न बनाने के। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों एक बहुत फेमस तरीका है जो स्टॉक्स के थ्रू, चूंकि बात हो रही है दोस्तों यहाँ पे, तो स्टॉक्स में दोस्तों स्टॉक्स में कुछ ऐसे तरीके हैं ट्रेडिंग के दोस्तों। अगर आप कैश मार्केट में ट्रेडिंग करते हो तो दोस्तों यहाँ पे कुछ ऐसे तरीके हैं जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग होती है दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके हैं दोस्तों। इंट्राडे, पोजिशनल और स्विंग ट्रेडिंग दोस्तों, ये तीन ऐसे तरीके हैं जिनके थ्रू दोस्तों आप स्टॉक मार्केट से कम टाइम में पैसा बना सकते हो। लेकिन दोस्तों ये ध्यान रखें, जो ये तरीके होते हैं इंट्राडे, पोजिशनल और स्विंग ट्रेडिंग के, ये जनरली आप इनकम परस्पेक्टिव से करते हो ना कि वेल्थ परस्पेक्टिव से। चूंकि आप ट्रेडिंग की दिशा में अगर आगे बढ़ रहे हो तो ट्रेडिंग आपकी कंसिस्टेंट इनकम करने में हेल्प करेगा रादर देन दोस्तों आपकी वेल्थ क्रिएट करने की। अब कंसिस्टेंट इनकम कैसे है, तो भाई मंथली बेसिस पे जो है, मान लो आपने 1,00,000 का इन्वेस्टमेंट किया और उससे ट्रेडिंग करना शुरू किया, तो दोस्तों इंट्राडे, पोजिशनल और स्विंग ट्रेडिंग इसमें आपकी हेल्प करेगी। एक अच्छी खासी 1,00,000 से मान लो ₹20,000 महीने बनाने में जो है आपकी हेल्प करेगी। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों आपको प्रॉपरली जो है गाइडेंस लेनी चाहिए दोस्तों। और उसके लिए दोस्तों हमने ऑलरेडी काफी सारी दोस्तों वीडियोस बनाई हुई हैं दोस्तों यहां पे टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड, आप जाकर के उनको देखें। इसके अलावा दोस्तों यहां पे इन्वेस्टमेंट टिप्स से रिलेटेड भी काफी वीडियोस हैं जो काफी इंफॉर्मेटिव है दोस्तों, इनको आपको जाके जरूर देखना चाहिए दोस्तों। ऑलरेडी काफी सारा मटेरियल, मोर देन 100 वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी है इस चैनल पे ट्रेड लर्नर्स पे दोस्तों, जो आपकी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की जर्नी में आपकी काफी हेल्प करेगी। तो टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन स्ट्रेटजीज, इन्वेस्टमेंट की टिप्स दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग जो है यहां पे स्ट्रेटजीज आपको ऑलरेडी मेंशनड है, आपको दोस्तों ये प्लेलिस्ट जाकर के देखना चाहिए दोस्तों हमारे चैनल पे। और इसके अलावा दोस्तों आपको अगर सिर्फ स्टॉक स्पेसिफिक चाहिए तो एवरीथिंग अबाउट स्टॉक्स में, इन स्टॉक्स पे जो बात कही गई है दोस्तों वो स्टॉक मार्केट में आपको होती हुई भी दिखेगी। अगर दोस्तों
हम बात करें नेक्स्ट कुछ और तरीकों की, तो दोस्तों यहाँ पे पोजिशनल और स्विंग ट्रेडिंग भी होती है। फर्क क्या आ जाता है इंट्राडे पोजिशनल और स्विंग ट्रेडिंग में? तो दोस्तों जो इंट्राडे की जो ट्रेडिंग होती है दोस्तों, वो एक इंडिपेंडेंट डे बेस्ड होती है, ठीक है, सिर्फ एक ही दिन के लिए रहती है। एक ही दिन के लिए आप बाइंग पोजिशन बनाते हो या सेलिंग पोजिशन बनाते हो। अब दोस्तों अगर बाइंग करोगे आप किसी स्टॉक की, तो आप उसको बाई करने के बाद में जो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, मान लो 100 रुपए का स्टॉक है और 105 रुपए का वो हो जाता है उस दिन पे, तो 5 रुपए का प्रॉफिट ले लोगे, वो हो गया इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है। और दोस्तों दूसरा तरीका होता है पोजिशनल ट्रेडिंग, ठीक है। अगर मान लो दोस्तों आप किसी स्टॉक को बाय करते हो और उसको होल्ड करके कुछ दिनों के लिए रखते हो, 5-6-7 दिन तक, कि आपको एक कंसिस्टेंटली 8-10% का रिटर्न दे दे कोई पर्टिकुलर स्टॉक, और आप जो है दोस्तों कैश में बाय करते हो, ठीक है, यहाँ पे आप जो है लीवरेज लेकर के बाइंग नहीं करते हो, पोजिशनल में कैश में बाय करते हो, तो आपको कुछ दिनों में 10-15% का जब जैसे ही रिटर्न मिल जाता है किसी स्टॉक से, तो आप एग्जिट कर लेते हो। तो इस तरीके से एक जो कंसिस्टेंट ट्रेडिंग की जाती है उसको पोजिशनल ट्रेडिंग कहा जाता है दोस्तों। इसके अलावा जो स्विंग ट्रेडिंग होती है दोस्तों, वो एक स्विंग के साथ होती है दोस्तों। स्विंग मतलब जैसे ही स्टॉक होता है, अगर हम बात करें तो स्टॉक जब तक एक पर्टिकुलर स्विंग में चलता है ऊपर तक, ठीक है, तो तब तक आप बने रहते हो, फिर एग्जिट कर देते हो, फिर जब नीचे चल जाता है स्टॉक तो आप उससे बाहर आ जाते हो, फिर स्विंग का जब बॉटम बनता है फिर अगेन आप एंट्री लेते हो, फिर आप एग्जिट कर लेते हो टॉप पे जाके, ठीक है। फिर इस तरीके से दोस्तों स्विंग का पार्ट बनते हो आप। ये ट्रेडिंग दोस्तों आपकी जो है कुछ कुछ लिमिटेड डेज तक चलती है, ठीक है दोस्तों। अगर आप कई बार स्विंग ट्रेडिंग का फायदा आपको इंट्राडे बेसिस पे भी होता है इसमें, लेकिन दोस्तों कई बार आप मॉर्निंग में पोजीशन लेते हो और इवनिंग तक जाते जाते भी एग्जिट कर लेते हो, कई बार उस पोजीशन को होल्ड करके रखते हो अगले 2-3 दिन में और अच्छा रिटर्न आने की उम्मीद में। तो इस तरीके से स्विंग ट्रेडिंग की जाती है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों जो बेस्ट तरीका है दोस्तों एक अच्छे खासे रिटर्न का, वो है इन्वेस्टमेंट। दोस्तों इन्वेस्टमेंट एक ऐसा तरीका है जो दोस्तों आप एक बिल्कुल आम बिगिनर के लिए सबसे बेस्ट तरीका है। इसके अलावा दोस्तों कई लोग कहते हैं कि आपको म्यूचुअल फंड में SIP करनी चाहिए, ठीक है। म्यूचुअल फंड बिल्कुल एक अमेच्योर पर्सन के लिए दोस्तों म्यूचुअल फंड एक तरीका होता है जिसमें हर महीने के 500 रुपए के मान लो आपने किस्त बना ली, तो वो 500 रुपए म्यूचुअल फंड कंपनी के हाथ में दे दो और वो म्यूचुअल फंड कंपनी जाने जहां उसको इन्वेस्ट करना है वो वहां इन्वेस्ट कर देगी। म्यूचुअल फंड दोस्तों एक ठीक ठाक तरीका है, लेकिन दोस्तों इन पे मैं कम रिलाई करता हूं। मैं चाहता हूं कि इंडिया में लोग खुद ही इन्वेस्टर और ट्रेडर बने रादर देन इन म्यूचुअल फंड कंपनियों पे ज्यादा रिलाई करें। ये भी ठीक है, इन्वेस्ट करके आपको अच्छा खासा ठीक ठाक रिटर्न देंगी, लेकिन दोस्तों मैं चाहता हूं आप खुद ही इतने इंडिपेंडेंट बने कि आप खुद ही अच्छे स्टॉक्स को पिक करें, आप खुद ही उनको होल्ड करें, बाय करें और उसको फ्यूचर में जो है अच्छे खासा जब रिटर्न मिलता है तो बेच दें उनको, ठीक है। तो ये कुछ इन्वेस्टमेंट के तरीके हैं दोस्तों जिनसे दोस्तों वेल्थ क्रिएट होती है। यहां पे ध्यान रखने वाली बात है, वेल्थ क्रिएट अगर आप करना चाहते हो दोस्तों, तो आपको जो है इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ना चाहिए और फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहिए। दोस्तों हमारे चैनल पे कई सारी इंपॉर्टेंट दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस पर ऑलरेडी वीडियोस आ चुकी है, आपको जाकर के दोस्तों देखना चाहिए इनको। ये वीडियोस दोस्तों आपको इनमें स्टॉक्स की स्पेशली वीडियोस में इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अगर आप क्रिप्टो करेंसीज में भी मार्केट में उतरना चाहते हैं तो दोस्तों उसके ऊपर भी अभी वीडियोस आना शुरू हो गई है दोस्तों, जो कि एक फ्यूचरिस्टिक मार्केट है दोस्तों, जिसका भविष्य में बताएंगे कि कितना ज्यादा प्रेडिक्टेबिलिटी है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने दोस्तों ऑलरेडी बताए हुए हैं, आप जाकर के क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड भी देख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों जो सबसे फेमस मार्केट है ट्रेडिंग के लिए दोस्तों, वो होता है फ्यूचर्स और ऑप्शंस का मार्केट, ठीक है। फ्यूचर ऑप्शन के मार्केट को बोलते हैं डेरिवेटिव मार्केट दोस्तों। तो ये डेरिवेटिव मार्केट जो है दोस्तों, ये क्यों पॉपुलर है दोस्तों, कम टाइम में पैसा बनाने का ये भी एक अच्छा तरीका है। और दोस्तों इसमें आप इंट्राडे भी कर सकते हो, इसमें आप पोजिशनल भी कर सकते हो। ट्रेड दोस्तों आप कुछ दिन के पोजिशन को होल्ड करके रख सकते हो और इस तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हो। तो दोस्तों फ्यूचर का मार्केट और ऑप्शन के मार्केट को अगर आप अच्छे से समझना चाहते हो तो दोस्तों आपको हमारे इस चैनल पे दोस्तों इन प्लेलिस्ट को देखना चाहिए, जो कि स्पेशली ऑप्शन मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी स्ट्रेटजीज आपको ऑलरेडी बताई हुई है। और दोस्तों ये स्ट्रेटजीज इतनी यूनिक है दोस्तों, जो कि आपकी ट्रेडिंग की जर्नी में बहुत हेल्प करेगी। ऑप्शन बाइंग पे भी दोस्तों बहुत अच्छी स्ट्रेटजीज ऑलरेडी बताई गई है, लास्ट में कुछ वीडियोस अभी हाल ही में अपलोड हुई है दोस्तों। आपको इनका लिंक जो है दोस्तों आई बटन पर मिल जाएगा इन सब प्लेलिस्ट का। दोस्तों आप इनको जाके जरूर देखें अगर आप स्टॉक मार्केट की जर्नी में सक्सेसफुल होना चाहते हैं। तो ये सब कुछ दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट कॉन्टेंट प्रोवाइड किया गया है। अगर दोस्तों आप कुछ स्पेशल स्ट्रेटजीज की सर्च में है तो दोस्तों आपको हमारी पेट्रियन मेंबरशिप पे, ये एक प्राइवेट ग्रुप बना हुआ है दोस्तों पेट्रियन मेंबर्स का, जो आपको दोस्तों पेट्रियन मेंबरशिप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों आप बीटा मेंबरशिप का प्लान ले लीजिए दोस्तों, बहुत हेल्प करेगा आपकी आने वाले दिनों में स्टॉक मार्केट की अंडरस्टैंडिंग को समझने में। और ये जो स्ट्रेटजीज है दोस्तों काफी वक्त के बाद में दोस्तों मैंने बनाई है दोस्तों, काफी रिसर्च और एनालिसिस लगा है दोस्तों, इसलिए इसके लिए बहुत मिनिमल अमाउंट पे करके आपको आप बीटा मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं।
इसके अलावा देखें दोस्तों तो स्टॉक मार्केट से पैसा बनाने के और भी कई ऐसे तरीके हैं जो कि करेंसी मार्केट है दोस्तों, करेंसी और कमोडिटी मार्केट दोस्तों काफी फेमस ही है ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर करेंसी मार्केट की बात करें ये दोस्तों स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बहुत पॉपुलर है। करेंसी मार्केट से दोस्तों कुछ छोटे छोटे ट्रेड्स लेकर के दोस्तों काफी लोग पैसा बनाते हैं और यहाँ पे लीवरेज बहुत मिलती है। पता है आपको कितने गुना लीवरेज मिलती है? 100x तक दोस्तों लीवरेज मिलती है करेंसी के मार्केट में, ठीक है। तो आपको जो है अगर आप करेंसी मार्केट से भी ट्रेडिंग करके अच्छा खासा पैसा बनाना चाहते हो तो दोस्तों करेंसी मार्केट भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है दोस्तों। इवन करेंसी मार्केट में कई लोगों को पता नहीं होगा इसमें भी फ्यूचर और ऑप्शंस की ट्रेडिंग होती है, ठीक है दोस्तों, तो वो भी ध्यान रखें। इसके अलावा दोस्तों आप जो है यहाँ पे कमोडिटी मार्केट में भी ट्रेडिंग कर सकते हो। कमोडिटी मार्केट दोस्तों एक बेसिक मार्केट जो दोस्तों आपको बेसिक जो कमोडिटी प्रोडक्ट होते हैं उनमें ट्रेड करने का एक मौका देती है। जैसे कि मेटल से तो आप मेटल सेक्टर को देख सकते हो, तो मेटल सेक्टर के कुछ ऐसे कमोडिटी प्रोडक्ट होते हैं जिनके ऊपर आप ट्रेडिंग कर सकते हो दोस्तों। इसके अलावा मेटल के अलावा दोस्तों आप बेसिक जो वीट हुआ, ठीक है, या फिर जैसे कि दोस्तों चना धनिया ऐसे कई सारे प्रोडक्ट है दोस्तों जिनके ऊपर भी, और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके ऊपर भी कमोडिटी मार्केट में दोस्तों ट्रेडिंग होती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपकी काफ़ी हेल्प करेगी आपको समझने में कि कितने तरीके हैं स्टॉक मार्केट से पैसा बनाने के। तो यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं दोस्तों, और अगर आपको कुछ और भी तरीके आते हैं तो दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में लिखना चाहिए ताकि दूसरे और जो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स हैं आने वाले भविष्य के उनको भी बहुत हेल्पफुल हों ये तरीके और वो अपनी इतनी पैसिव इनकम कर सकें दोस्तों कि वो फाइनेंशियल फ्रीडम के पाथ पर आगे बढ़ सकें। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी आपको। आपको जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं दोस्तों वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे, आप वहाँ पर जा करके उनको फॉलो कर सकते हो दोस्तों। और दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पर एजुकेशनल कंटेंट टाइमली प्रोवाइड किया जाता है ताकि जो नए जो अभी 2020 के बाद से इन्वेस्टर और ट्रेडर्स की एक नई कम्युनिटी तैयार हुई है उसको दोस्तों काफ़ी हेल्प मिलेगी दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा दोस्तों तो उसके लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।